अर्बन पॉलीक्लिनिक पिंजौर के हॉस्पिटल में 70 वर्षीय एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन टीका लगा, लड़खड़ाया मौत। परिजनों का आरोप, इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट से पूछा क्यों नहीं गया। अर्बन पॉलीक्लिनिक पिंजौर के इस हॉस्पिटल में आज एक 70 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने अपनी धर्मपत्नी के साथ आया था। व्यक्ति ने टीका लगवाया और उसके तुरंत बाद लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। गंभीर अवस्था में उसे पंचकुला हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 70 वर्षीय जियंदर सिंह है और वह अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ पिंजौर के सरकारी हॉस्पिटल में आया था। यहाँ टीका लगाने के बाद मौत होने पर मृतक के परिजनों ने टीका लगवाने के बाद सवाल खड़े कर दिए कि घर से उनके पति अच्छे भले हॉस्पिटल में गए थे। हाँ तो घर से ठीक ठाक गए थे, दवाई भी खाई थी, जी, रोटी भी खाई, दूध भी पिया। वहाँ जाते ही पहले उनको टीका लगा, फिर मेरे को लगा। जब तक तो मैं बाहर आई तब तक तो वो नीचे गिर गई। किस चीज़ का टीका लगा था? यही जो आजकल लग रहे हैं कोरोना वैक्सीन, ये नहीं पूछा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो पूछा, नहीं बस है। सीधा टीका ठोक रहे हैं। जयेंद्र सिंह की धर्मपत्नी तुलसी देवी ने बताया कि उनके पति को पहले टीका लगा था, जिसके बाद उसे लगा। जब तक उन्हें टीका लगता उनके पति नीचे गिर गए थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि टीका लगाने से पहले उनके पति को चेकअप करना चाहिए था। पुत्रवधु राखी और संगीता ने बताया कि घर से ठीक ठाक गए थे, टीका लगने के बाद उसके ससुर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए। परिजनों का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन टीका लगाने से पहले चेक करना चाहिए था या पेशेंट से पूछना भी चाहिए था, बिना पूछे ही टीका लगाए जा रहे हैं। घर से पापा फिट गए थे, बिल्कुल ब्रेकफास्ट किया अपना, दवाई खाई, एकदम तैयार त्यूर होके गए। बाद में मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है पापा की टीका लग के। जब तक मैं वहाँ 6 में गई तो फ़ोन आ गया था कि पापा डेथ हो गई है। कह रहे टीका लगाया, पापा खड़े भी नहीं हो पाए, वहीं पे टीका लगा के आते ही बाहर गिर गए। ना उन्होंने देखो गए थे टीका लगवाने, ना बीपी चेक किया, ना कुछ भी, वो बीपी वगैरह कुछ चेक नहीं किया, ना कुछ पूछा कि आपको कोई बीमारी है। ये पिंजौर सरकारी हॉस्पिटल में फिलहाल शव पंचकुला हॉस्पिटल में है, शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं पिंजौर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद असलियत का पता चलेगा कि किन हालात में व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल मुद्दा जांच का है और जांच जारी है। ये भी पूछो कि भाई आप कब से कोई दवाई खा तो नहीं खा रहे, कोई रिएक्शन तो नहीं है, जबरदस्ती तो कोई टीका नहीं लगाएगा। जब डॉक्टर कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं तो आम आदमी टीका लगा रहा है, जिसका रिजल्ट ही देख लो भाई, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नाम तो टीका का ही हो गया। इधर SMO पिंजौर डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने बताया कि टीका लगने के कुछ देर बाद बेहोश होकर पेशेंट गिर गया था। SMO डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने बताया कि कोरोना टीका लगने से मौत तो नहीं हुई लग रही, इतनी जल्दी टीके का असर नहीं हो सकता है। अर्बन पॉलीक्लिनिक पिंजौर के SMO डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने बताया कि उससे पहले 10 से 12 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीके लगाए गए थे, जबकि उसके बाद करीब 70 लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगे हैं। सभी लोग ठीक ठाक हैं और इससे पहले पिछले दिनों में सभी के इंजेक्शन लगे, किसी को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से कहा कि लोग कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लें। पेशेंट आए थे यहाँ सुबह, तो वो उनको जैसे इंजेक्शन लगाया उसके करीब 1-2 मिनट बाद वो बेहोश होके गिर गए थे। फिर हमने उनको इमरजेंसी में ले जाके उनको सारे जो भी यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल था वो दिया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस से हमने उनको सेक्टर 6 में रेफ़र कर दिया था। इसमें कोरोना से तो नहीं इसे लगता है, क्योंकि कोरोना इंजेक्शन के 1-2 मिनट बाद ही उनका इस तरह से वो होना है, उससे कोई नीज को जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी किसी भी उसका कोरोना से ऐसे कोई हादसा अभी तक हुआ भी नहीं वैक्सीनेशन से। तो उससे पहले और उसके बाद कितने इंजेक्शन लगे आज? उसके पहले 10-12 लग चुके हैं, उसके बाद भी करीब 70 इंजेक्शन लगे हैं और सारे ठीक ठाक हैं। आज तक जितने भी इंजेक्शन हमारे लगे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही।